दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथिगन भाई एस के यूट्यूब चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सफिक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सफिक्स हैं जो यूनिट के आगे लगते हैं। जैसे 10^-1 है तो इसको हम बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी, जिसका सिंबल क्या है? स्मॉल डी। फिर देखते हैं 10^-2 सेंटी, जिसका सिंबल क्या है? स्मॉल सी। जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटी का मतलब होता है 10^-2 और इसका मतलब है 2। तो 2 और 2 कैंसिल होकर क्या जाएगा? मीटर। तो इस प्रकार ये रिलेशन आता है। अब देखते हैं 10^-3। तो 3 को बोलते हैं मिली। मिली का सिंबल है स्मॉल m। फिर 10^-6 माइक्रो, मतलब म्यू। 10^-9 का नैनो, स्मॉल n। 10^-12 पिको, स्मॉल p। 10^-15 फेमटो, f स्मॉल। 10^-18 एटो, a। इसी प्रकार पॉजिटिव में देखते हैं, ये सभी नेगेटिव की पावर थी, अब पॉजिटिव की देखते हैं। तो 10^1 डेका, जिसे हम da से डिनोट करते हैं। 10^2 हेक्टो, h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h। 10^3 किलो, k से डिनोट करते हैं। 10^6 मेगा, कैपिटल M। 10^9 गीगा, कैपिटल G। 10^12 टेरा, कैपिटल T। 10^15 पेटा, कैपिटल P। 10^18 एग्जा, कैपिटल E। तो इस प्रकार हम इन 10^ को पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों को देखते हैं, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 टेरा कितना होता है, तो 10^12 को क्या बोलते हैं? टेरा। तो इसी प्रकार एक इम्पोर्टेंट और है, 10^-10 को हम क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम। तो दोस्तों, एंगस्ट्रम है ये फिजिक्स के अंदर तरंग देरी होता है, वेवलेंथ, जिसकी यूनिट होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 10^-10 मीटर होता है, उसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम। अब देखते हैं, कई बार मिलियन बिलियन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं मिलियन व बिलियन के बारे में। तो 1 मिलियन होता है 10^6। 10^6 का मतलब है 1 के साथ 6 जीरो लगाना। तो 1 के साथ हम 6 जीरो लगाएंगे तो उसको बोलेंगे 10 लाख। तो 10 लाख बोल लो या 1 मिलियन बोल लो, एक ही बात है। तो 10^6 का मतलब है कि 1 के साथ 6 जीरो। जैसे हम 100 लिखते हैं तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10^2, क्योंकि 1 के साथ कितनी जीरो लग रही है? 2। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? 10^2। इसी प्रकार जैसे 1000 है, 1000 को हम किलो बोलते हैं, लेकिन 10^ में लिखते हैं तो यहाँ 10^3 हो जाएगी, क्योंकि 1 के साथ कितनी जीरो है? 3 है। तो पावर कितनी हो जाएगी? 3, 10^3। इसी प्रकार आप देखते हैं 1 बिलियन, तो बिलियन होता है 10^9, जिसको हम बोल सकते हैं 1 अरब। भारतीय सिस्टम में 1 अरब बोल सकते हैं। 1 ट्रिलियन होता है, उसका मतलब होता है 10^12, 10 खरब के बराबर होता है। और 1 क्वाड्रिलियन होता है 10^15। तो दोस्तों, इस प्रकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूछ सकता है 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है, तो ऐसे भी ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो 1000 मिलियन के बराबर होता है 1 बिलियन, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, क्योंकि इसमें 3 जीरो ज़्यादा है, इसमें 3 कम है। तो 1 बिलियन क्या होगा? 1000 मिलियन के बराबर। तो इस प्रकार ये रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।